आखिर इन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि आपके पास कौन सी समस्या है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके पर्स में रखा हुआ नोट का नंबर क्या है। तो यह विद्या जो है उसी से आज हम आपको वह रहस्य बताने जा रहे हैं। आप यदि इसको पूरा जानना चाहते हैं तो बस हमारा इतना से ही आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बताने जा रहे हैं उस रहस्य को जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं। आइए हम जानते हैं उस विद्या को जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है बागेश्वर धाम ने। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री गोरखनाथ जी का भगवान का फोटो, शावर मंत्र, यही वो मंत्र हैं जिसके द्वारा आज के समय छोटे छोटे सिद्धि भी छोटी छोटी सिद्धियों को पा कर के और उनका समाज में प्रदर्शन करते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये होती है वीर जागृति प्रयोग, जिसमें कौन कौन से वीर आते हैं। इसमें वीर हैं हनुमान वीर जो सभी कार्य करते हैं, अबीर वीर जो इत्र हल्दी कुमकुम आदि देता है, और ये सारे वीर जो आप देख रहे हैं 11 वीर हैं जो कि अधिकतर कामों के कार्य में आते हैं। यदि ये वीर जागृत होते हैं तो ये आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसी में से एक वीर हम उनकी बात करेंगे जो कि हैं हनुमान वीर। जैसा कि हनुमान वीर में आप देखेंगे प्रयोग, पहले एक डाली वाला आग का पौधा ढूंढें, फिर किसी भी अनुराधा नक्षत्र में ब्रह्म मुहूर्त में उस पौधे के पास जाकर हल्दी कुमकुम अगरबत्ती नारियल कपूर आदि से पूजन करें, फिर हाथ में जल लेकर मंत्र एक पढ़कर पौधे की जड़ में छोड़ दें। इस प्रकार 21 बार करें, फिर मंत्र दो से यही क्रिया करें, 21 बार करें। इसके बाद 11 बार गुरु मंत्र का जाप करें। यह पहले दिन की विधि है, इसी प्रकार 21 दिनों तक करना है। तीसरे दिन से हनुमान वीर जागृत होने लगता है। 21वें दिन साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। जब हनुमान वीर प्रत्यक्ष हो तब मंत्र दो का उच्चारण करें, इससे बोलने लगेगा, तब आशीर्वाद मांगकर आवश्यकता पड़ने पर आने का वचन उनसे लें, और 21वें दिन मीठे भोजन का नैवेद्य देकर आग का पौधा उखाड़ लें और उसकी जड़ को मंत्र एक व दो से वीर कान में उत्तर देगा और जड़ को कान में लगा कर बात करते हैं। अब इसकी जड़ को आप किसी भी प्रयोग में या तो कोई छड़ी बनाकर उसमें लगा सकते हैं, या गदा बनाकर उसमें लगा सकते हैं, या किसी भी तरीके से अंगूठी बनाकर उसमें लगा सकते हैं और अपने पास में रख के अपने प्रश्नों का जवाब मान सकते हैं। ये आपको सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। आग का पौधा, ये आग का पौधा है, ये पौधा एक डाली का है। ऐसा ही आग का पौधा आपको लाना है और इस प्रयोग से आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, मगर बिना गुरु के इसको ना करें, क्योंकि इसमें आप अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। हनुमान जी की साधना बड़ी ही सावधानी पूर्वक की जाती है। ये इसका मंत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के द्वारा कई लोगों ने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं जो कि आपकी समस्याओं का
समाधान बताते हैं और आपकी क्या समस्याएं हैं उन्हें बताते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। जय श्री राम।